ओके, तो अपनी रिलीज से पहले ही आईएमडीबी की हाईएस्ट रेटेड मूवी कहलाए जाने वाली ड्यून 2 अब फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है, जिसे लेके बहुत ही ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी कि मूवी एक मास्टरपीस है। एंड ऑडियंस के बीच में भी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में नहीं, यहाँ पे थिएटर पूरे खाली है। बट यू माई फ्रेंड जो की इस वीडियो को देख रहा है, तो ऑफकोर्स तुम इस मूवी को देखना चाह रहे होगे। इन माई ओपिनियन तुम्हें ये वीडियो फॉर श्योर देखनी चाहिए। मूवी के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि वॉज इट वर्थ फॉर इज हाइप। काफी लंबा टाइम लगा लिया इंट्रो में, तो बात कर लेते हैं इसके अंदर किस स्टोरी की, जो कि ड्यून 1 के आगे ही कंटिन्यू होती है। सिंपल भाषा के अंदर ड्यून 1 जो है वो एक सेटअप की तरह वर्क करती है, एंड ड्यून 2 उसका पे ऑफ है, जिसकी स्टोरी एंड वर्ल्ड इतना ज्यादा वास्ट है कि उसे एक्सप्लेन करते हुए पूरी पूरी एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी। लेकिन मोटा मोटा तुम ये समझ सकते हो कि वो जो टिपिकल द 1 वाली कहानी है वो इसके अंदर फॉलो हो रही है, बट उसके अंदर थोड़े बहुत सडन ट्विस्ट डाले गए हैं जो कि तुम्हें एंगेज करके रखते हैं। बाकी मूवी अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है अभी भी, एंड देयर इज येट अ माइल टू एक्सप्लोर। लाइक सीरियसली, इतने ज्यादा एंगल बताने के बावजूद भी इनके पास काफी कुछ बचा है जिसे अभी इन्हें आगे वाली मूवी के अंदर एक्सप्लोर करना होगा। बट ऑनेस्टली मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मूवी को इसकी स्टोरी के लिए भी नहीं देखने गया था। इसे देखने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, जो कि था सिनेमा को एक्सप्लोर करना। देखो ड्यून पार्ट 1 मैंने थिएटर्स के अंदर नहीं देखा था, एंड मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखने के अंदर मैं बता सकता हूँ कि उतना ज्यादा भी मजा फील नहीं होता। लाइक ये उस टाइप की मूवी है जिसे देख के तुम कह सकते हो कि हाँ यार ये एक प्रॉपर थिएटर वाली मूवी है, जिसे तुम जितनी बड़ी स्क्रीन हो उतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक्सपीरियंस करना चाहोगे। अपन का भी मन था कि आईएमएक्स वगैरह के अंदर देखें, लेकिन भाई बजट क्या करें। लेकिन मूवी विजुअली इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि जब ये ओटीटी वगैरह के ऊपर आए तो तुम किसी भी रैंडम जगह पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड आफ्टरवर्ड्स तुम रियलाइज करोगे कि वो जो स्क्रीनशॉट है वो अपने आप में ही एक वॉलपेपर की तरह लग रहा है, जिसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर डेनिस विनिस ल्यू को। भाई बंदा कमाल का है सीरियसली। तुम सोचो डेजर्ट जैसी जगह के अंदर तुम कितना सब कुछ एक्सप्लोर कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर होती क्या है, रेत एंड रेत। हालांकि इन्होंने एक कीड़ा भी डाल रखा है, लेकिन मोर और लेस रेत ही होती है। बट तब भी बंदे ने जिस आर्टिस्टिक चॉइस को यूज करा है वो काफी ही ज्यादा अपीलिंग है। बात करी जाए एक्टर्स की, तो सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस लेजिट काफी ही ज्यादा बेहतरीन है। टिमोथी शैलेमेट की लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट काम है ये। एंड उसके अलावा ड्यून पार्ट 1 के अंदर जहाँ पे ज़ेंडाया सिर्फ और सिर्फ एक कैमियो के रोल के तौर पे थी, इसके अंदर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर होता है। बाकी मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा ऑस्टिन बटलर को, लाइक इस बंदे ने बेहतरीन काम करा है। एंड इसके सीन्स को दिखाने के लिए जो ब्लैक एंड व्हाइट टोन का भी इस्तेमाल करा गया था वो भी काफी ही ज्यादा बेहतरीन थी। हालांकि मूवी को लेकर मैं एक चीज तुम्हें अभी के अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई एक्शन हैवी मूवी नहीं है, एक्शन है लेकिन काफी ही ज्यादा लिमिटेड। तो अपनी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से बना के चलना, जिसे तुम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुमने पोनियन सेल्वन देखी है तो वो भी अपने एक्शन के ऊपर रिलाय नहीं करती, बल्कि अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर रिलाय करती है। तो उसी सिमिलर फॉर्मेट के अंदर तुम ड्यून को भी मान सकते हो। हालांकि ड्यून का बार इन कंपैरिजन टू पोनियन सेल्वन काफी ही ज्यादा हाई है। एंड हाँ भाई, इसकी तारीफ करें मेरा कैसे रह सकते हैं, हांस ज़िमर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई साहब, हर एक सीन को सातवें आसमान पे ले जाने का काम करता है, लेजिट काफी ही ज्यादा बेहतरीन। बाकी एज अ कंक्लूजन के तौर पर मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि भाई जितनी बड़ी स्क्रीन हो उतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाके इस मूवी को एंजॉय करो, ये एक विजुअल ट्रीट है जो कि डेकेड्स में एक बार ही देखने को मिलती है। एंड हाँ, बाकी यही था मेरा ओपिनियन के रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या है कमेंट करके जरूर बता देना। एंड टिल देन बाय।